तो दोस्तों सुबह होते ही रो फिर अपने घर से बाहर निकला तो यार सड़क पे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि भाई लिट्टी सिंघम की बॉडी रखी हुई थी सड़क पे, वो भी रो फिरो के घर के सामने। रो फिरो ने उसको काफी जगाने की कोशिश की, लेकिन शायद हमारा लिट्टी सिंघम अब मर चुका था। लेकिन दोस्तों यार लिट्टी सिंघम को किसने मार दिया? ओ यार अब ये पुलिस वाले अब रो फिरो को क्यों मार रहे? भाई रो फिरो को क्यों मार रहे हो तुम सबके सब? इतना भोला भी मत मने रो फिरो, तूने लिट्टी सिंघम को मार दिया, अब हम सब मिलकर तुझे भी मार देंगे। ओ यार इतना बड़ा झूठा इल्जाम, वो भी हमारे रो फिरो के ऊपर। भाई रो फिरो ने नहीं मारा लिटिल सिंघम को। दोस्तों यार ये सारे के सारे पुलिस वाले मिलकर हमारे रो फिरो के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे। लेकिन दोस्तों हमारे लिटिल सिंघम को मारने वाला पता है कौन है यार? उसका नाम है साइरन हेड, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये काफी दिनों से लिटिल सिंघम को मारने की कोशिश कर रहा था। और हमारे सुपर हीरो ने रात के समय में इन दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट भी देखी, लेकिन यार हमारे सुपर हीरो को क्या पता था कि साइरन मैन हमारे लिटिल सिंघम को मार ही डालेगा। यार हमारे लिटिल सिंघम भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। लेकिन दोस्तों काफी दिनों पहले हल्क और साइरन हेड की बहुत ही जबरदस्त फाइट हुई, जिसके अंदर साइरन हेड मारा गया। लेकिन दोस्तों यार ये इतने सालों बाद में पता नहीं जिंदा कैसे हो गया। यार दोस्तों पुलिस भी अब सुपर हीरो के पास में आ रही है, यार लगता है कि अब ये सुपर हीरो को भी मारना चाहती है। इन पुलिस वालों को कौन समझाएगा कि यार सुपर हीरो रो फिरो ने नहीं मारा भाई लिटिल सिंघम को। लिटिल सिंघम को तो भाई यार उसको क्या बोलते हैं, साइरन हेड ने मार दिया। और यहाँ पे हमारा रो फिरो भी पुलिस वालों से बचकर काफी ऊपर बिल्डिंगों के ऊपर आ चुका है। लेकिन दोस्तों यार आपको पता नहीं होगा कि यार लिटिल सिंघम से पुलिस वाले बहुत ज्यादा प्यार करते थे यार। हाँ दोस्तों पूरी दुनिया की पुलिस अब हमारे रो फिरो सुपर हीरो जैसे और म्यूटेंट को ढूंढ रही है। भाई अब पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि लिटिल सिंघम अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके चाहने वाले यानी कि उसके फैन भाई वॉच टावर में आ रहे रो फिरो को मारने के लिए। लेकिन भाई अब ये अच्छा थोड़ी है भाई, क्योंकि भाई रो फिरो ने नहीं मारा उसको। दोस्तों हमें सुपर हीरो के पास में जाना पड़ेगा और हल्क दादा को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वही अकेला है जो साइरन हेड को मार सकता है। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं। लेकिन भाई हम सुपर हीरो के पास में कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि भाई चारों तरफ तो पुलिस ही पुलिस है। तो दोस्तों यार मैं यहां पे आ चुका हूं अपने घर के पास में, और ये देखो भाई ये क्या है भाई, इतने सारे मॉन्स्टर ट्रक, यार ये किसने इकट्ठे कर दिए? यार मेरे को लगता है कि यहाँ पे जाम लग चुका है बिल्कुल खतरनाक वाला। ये देखो भाई रो फिरो को जाने ही नहीं दे रहे सुपर हीरो के पास में। यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और मेरे को रास्ता मिल चुका है। चलो भाई यहाँ से चलते हैं। यार ये सब किसने कर दिया यार? क्या साइरन हेड ने यहाँ पे तबाही मचा दी, या फिर ये पुलिस वालों का कमाल है, क्योंकि पुलिस वालों ने बंद कर दिया होगा इस रास्ते को। चलो भाई मैं तो बैठ चुका हूँ, और ये रास्ता भी खोल देते हैं फटाफट से, क्योंकि यार रास्ता बंद करने से कोई भी फायदा नहीं है, आने जाने वाले बेचारे परेशान हो रहे होंगे। और भाई इतनी छोटी सी टक्कर से ये तो हिले भी नहीं। चलो भाई थोड़ी बहुत पीछे लेके जबरदस्त टक्कर लगाते हैं, फिर शायद ये सामने से हट जाए और हमारा रास्ता वापस से खुल जाए। चलो भाई फटाफट से लगाते हैं, और ये लगा टक्कर, अरे भाई अभी भी नहीं हटे। चलो भाई रास्ता तो खुल चुका है और गाड़ी जाने लग गई है। अरे भाई रुको तो सही, पहले हमें तो जाने दो। चलो भाई अब हम तो फटाफट चलते हैं हमारे सुपर हीरो के पास में। यार कहीं मेरे को वो खतरनाक आर्मी ना मिल जाए, वरना हमारा रो फिरो तो गया काम से। रो फिरो को भून डालेंगे बिल्कुल छल्ली छल्ली कर डालेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक तो कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो भाई, और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि यार हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास में आए। तो दोस्तों फटाफट से प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी हम चलते हैं फटाफट से सुपर हीरो के पास में, क्योंकि भाई वही इकलौता इंसान है जो हमारे हल्क दादा को बुला सकता है, क्योंकि यार रो फिरो के बुलाने पर नहीं आएगा मेरे को पता है। क्योंकि यार हम तीनों मिलकर अगर हल्क को बुलाएंगे ना तब वो बहुत जल्दी ही आ जाएगा। चलो भाई फटाफट चलते हैं। और मॉन्स्टर ट्रक, अरे भाई पुलिस वाला, चलो भाई फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यार अभी तक वो आर्मी मेरे को नहीं दिखी है। शायद वो प्लानिंग बना रही होगी रो फिरो को पकड़ने के लिए। अरे भाई रो फिरो तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला, और तुमको भी पता लग ही जाएगा कि यार रो फिरो ने उसको नहीं मारा लिटिल सिंघम को। वैसे यार उसकी आत्मा आ जाती ना लिटिल सिंघम की, तब शायद सबको पता लग जाता कि यार मारने वाला असली कातिल तो साइबर क्या साइरन मैन है भाई। साइरन मैन भी नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं साइरन हेड, क्योंकि भाई उसके अंदर वो हेड है ना उसका, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है भाई, उसकी आवाज़ से कान के पर्दे तक फट जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम गुफा के अंदर तो आ चुके हैं। चलो भाई इसको अंदर लेके चलते हैं फटाफट से, थोड़ा बहुत और अंदर लेके चलते हैं। और सुपर हीरो म्यूटेंट को बताते हैं कि दुनिया की सारी फोर्स हमारे पीछे पड़ी हुई है। चलो भाई फटाफट चलते हैं। भाई ये दोनों के दोनों भाई इस गुफा के अंदर हमेशा सोते रहते हैं। अरे सुपर हीरो भाई सोने का टाइम नहीं है अभी,
अभी फटाफट से उठो भाई, सारी दुनिया की फोर्स हमारे पीछे लगी हुई है हमें मारने के लिए। ओ यार, ये दोनों तो अभी तक भी बाहर नहीं निकले। अरे भाई, लिटिल सिंगम मर चुका है भाई, और पूरी फोर्स हमें मारने के लिए आ रही है। उसके चाहने वाले बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर हम तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे। यार बाहर निकलो। मुझे सब कुछ पता है रोपीरो, लेकिन अब हम दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छुप सकते। लिटिल सिंगम के चाहने वाले हमें कभी ना कभी तो मार देते हैं। हम सब सरेंडर करने के लिए तैयार है। अरे सुपर हीरो, तुम इतनी भी चिंता मत करो यार, मेरे पास में एक प्लान है, और प्लान ये है कि हम हल्क दादा को बुला लेते हैं। फिर यार हल्क दादा सायरन हेड को बुरी तरीके से मार डालेगा, इससे हम बच सकते हैं। रोपीरो, इतने घटिया प्लान तुम लाते कहाँ से हो भाई? यार कहने का मतलब, यार काफी अच्छा प्लान है, मैं तो मजाक कर रहा था रोपीरो। चलो भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ हल्क दादा को बुलाने के लिए। चलो भाई, बैंड बजाते हैं उसकी, क्या बोलते हैं उसको, सायरन हेड की बैंड बजाते हैं। चलो भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसको मारने के लिए। हाँ दोस्तों, हम लिटिल सिंगम की मौत का बदला लेके रहेंगे। मैं उस सायरन हेड को नहीं छोड़ने वाला, मैं हल्क दादा को बुलाऊंगा। वैसे मैं भी हल्क के जैसा ही हूँ, मेरे को भी ले लो यार, मेरे को भी बुला लो। ठीक है म्यूटेंट, तुम दोनों के दोनों वॉइस टाउन की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे आ जाना। फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ। ओ यार, और आपको पता है ना, हल्क दादा को बुलाने का टाइम सुबह जल्दी का होता है, अभी हल्क दादा नहीं आएंगे। चलो दोस्तों यार, फटाफट चलते हैं और वॉइस टाउन में तैयारियाँ करते हैं हल्क दादा को बुलाने की। हाँ दोस्तों, उसको बुलाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि भाई वो दूसरी यूनिवर्स यानी दूसरी दुनिया से यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा। और वैसे भी मैं हल्क से बात नहीं करने वाला, हम करने वाले आयरन मैन, वो बोलते हैं ना, उन सब का हेड, हम उनसे बात करेंगे। और जैसे ही हल्क सुबह उठेगा, वो हमारे वॉश टाउन में अपने आप आ जाएगा। चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं। वैसे यहाँ पे यार काफ़ी खतरा भी हो सकता है, रोपीरो को अकेले देखकर यहाँ की आर्मी मार भी सकती है। तो दोस्तों फिलहाल हम उस जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे हल्क दादा आने वाले हैं। चलो भाई फटाफट चलते हैं, और आपको उस जगह के बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। अरे भाई ये क्या है, टकरा गई। वैसे दोस्तों इसके जस्ट आगे वह जगह है जहाँ पे हल्क दादा आएंगे। चलो भाई फटाफट चलते हैं, और मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर ट्रक को खड़ा कर देता हूँ। यार हल्क दादा जैसे ही सुबह उठेंगे, वो सीधे वॉश टाउन में आ जाएंगे। ये देखो भाई, यहाँ पे आने वाले हमारे हल्क दादा। वैसे वो इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं, इसलिए ये जगह उनके लिए बेस्ट रहेगी। हाँ दोस्तों यार, ये जगह उनके लिए काफ़ी अच्छी है। यार देखो काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है यार, अगर दूसरी जगह पे बुलाएंगे ना तो हमारे घर और बिल्डिंग्स का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भाई उनकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो दोस्तों पिछले वीडियो के शूट आउट है हमारे गोलू खान, आदित्य सैनी, नितिन दा फ्रेंड गेमर, शिवा, रितेश, आयुष, वैभव सिंह। तो दोस्तों अभी और भी है जिनका नाम है प्रभजोत और सत्यम और ये सिद्धार्थ, कार्तिक, असर और सुभीर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही लोगों को शूट आउट मिलेगा। अगर आपको भी शूट आउट चाहिए तो कमेंट में अपना नाम बता देना। तो दोस्तों यार, आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर जरूर लिख देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।